Run that bit up like a track me. Give me the pack and I might take that. She got a fatty, I might take that. Give me your addict, we pullin' up to your pattern. Then we gon' put it to red and we gon' click clap. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टिप्स फॉर ऑल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, हाज़र हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना व्हाट्सएप जो है उसको किस तरह सेव कर सकते हैं। मतलब आप अपने व्हाट्सएप ऐप को, अगर आप चाहते हैं कि आपके बगैर कोई भी आपकी व्हाट्सएप ऐप को ओपन ना कर सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप ऐप पे अपना फिंगरप्रिंट लॉक किस तरह लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका व्हाट्सएप ऐप, जो कि आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप ऐप कोई भी ना खोल सके, स्पेशली आपके व्हाट्सएप में बहुत सा ऐसा डाटा होता है या कुछ ऐसे पर्संस होते हैं जो कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप सिंपल तरीके से आप अपने व्हाट्सएप को फिंगरप्रिंट लॉक कर सकते हैं, जो कि आपके अलावा कोई और भी नहीं ओपन कर सके। जी हाँ दोस्तों, फिंगरप्रिंट लॉक के बाद वो व्हाट्सएप ऐप आपकी कोई और ओपन नहीं कर सकेगा आपके अलावा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ किस तरह आप इसको फिंगरप्रिंट को एनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने जाना है अपने व्हाट्सएप ऐप में। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ फिंगरप्रिंट लॉक है। इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही ओपन करूँगा दोस्तों, सिंपली आपने यहाँ ऊपर तीन डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अकाउंट पे आपने यहाँ पे क्लिक करके, अकाउंट क्लिक करके दोस्तों आगे नए पेज पे जाके आपने प्राइवेसी क्लिक करना है। नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे नीचे आपको नज़र आएगा फिंगरप्रिंट लॉक। अगर दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि आपकी ऐप में अगर ये फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, दोस्तों आप अपने प्ले स्टोर में जाके आप अपने व्हाट्सएप ऐप को सिंपली अपडेट करेंगे तो ये आपको फिंगरप्रिंट लॉक का जो ऑप्शन है ये एनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, सिंपली आपने इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका, मतलब ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अगर ये आपका डिसेबल है तो आपने सिंपली इसको एनेबल करना है। जैसे ही एनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना वो फिंगरप्रिंट मतलब स्कैन करवाना है जिसका आप लॉक लगाना चाहते हैं। तो सिंपली दोस्तों, यहाँ पे आप जहाँ पे भी फिंगरप्रिंट आपका लॉक है वहाँ पे आप सिंपली इसको लगाएंगे तो अभी आपका जो व्हाट्सएप ऐप है वो आपका फिंगरप्रिंट लॉक हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों नीचे ऑप्शन है, अगर आप इमीडिएटली जैसे ही व्हाट्सएप ऐप से बाहर निकलेंगे तो आपका व्हाट्सएप ऐप जो है वो लॉक हो जाए, या आफ्टर 1 मिनट या आफ्टर 30 मिनट। तीन ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा इमीडिएटली पे आप क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों आप इसको सेलेक्ट कर लें। तो सिंपली आप जैसे ही व्हाट्सएप ऐप से बाहर निकलेंगे तो अगर आप दोबारा से व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपसे व्हाट्सएप लॉक्ड है, आपका फिंगरप्रिंट स्कैन करने को बोलेगा। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे ये आपका ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसको करता हूँ फिंगरप्रिंट को ओपन। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3, जैसे ही किया तो ये मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप ऐप को सिक्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और अपनी सेफ्टी को और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, छोटी सी ट्रिक, छोटी सी सेटिंग, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी को इससे फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।